इस वीडियो में हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की सबसे आसान ट्रिक, जिससे आप कोई भी सबसे बड़े नंबर का, सबसे छोटे नंबर का, जो भी आपको लगता हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए आइए सीखते हैं सबसे पहले उसका मेथड कि किस तरह से। सबसे पहले हमें इसके लिए लिखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 और 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। अब ये जैसे हमने 10 तक स्क्वायर रूट स्क्वायर लिखे हैं, अब उनकी हम यूनिट डिजिट लिखेंगे जो इनका आंसर आया। 1 का स्क्वायर 1 आया तो इसकी यूनिट डिजिट 1, 2 का स्क्वायर 4 आया तो इसकी यूनिट डिजिट 4, 3 का स्क्वायर 9 आया तो इसकी यूनिट डिजिट 9, 4 का स्क्वायर 16 आया इसकी यूनिट डिजिट 6, 5 का स्क्वायर 25 है इसकी यूनिट डिजिट 5, 6 का स्क्वायर 36 है इसकी यूनिट डिजिट 6, 7 का स्क्वायर 49 है इसकी यूनिट डिजिट 9, 8 का स्क्वायर 64 आया उसकी यूनिट डिजिट 4, 9 का स्क्वायर 81 आया उसकी यूनिट डिजिट 1, और 10 मतलब 0 का स्क्वायर इट्स 0 ही आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब लिखते हैं हम कि इसमें किस किस कौन कौन से नंबर आ रहे हैं यूनिट डिजिट में। एक तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है और हमारी सारी हो गई। और यहाँ इससे हमें पता लगता है कि ये जो 4 डिजिट हैं ये हमारी यूनिट प्लेस पे नहीं होंगी परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। अब हम 0 किस केस में आ रहा है, जब 0 होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। और 1 किस केस में आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 किस केस में आ रही है, अगर हम 1 का स्क्वायर करें और हम 9 का स्क्वायर करें, मतलब एक तो 1 केस आ सकता है यूनिट डिजिट कब आएगी 1, एक तो 1 का स्क्वायर करें या 9 का स्क्वायर करें। 4 कब आएगा यूनिट डिजिट, जब 4 का स्क्वायर, जब हम 2 का स्क्वायर करें तो 2, और हम किसका करें, 4 कब आएगा, 4 कब आएगा 8 का स्क्वायर करें तो 2 और 8। अब 5 कब आएगा, जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 6 कब आएगा, जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, वो सॉरी 8 6 का स्क्वायर करेंगे। और 9 कब आएगा, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। तो हमें ये केस समझ में आ गया, इस केस के अकॉर्डिंग ही हम अपना आंसर सॉल्व करेंगे। चलो आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, रूट 961 ये ले लेते हैं। इसमें हम लास्ट की 2 डिजिट ले लेते हैं, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 1। तो 1 के केस में कौन कौन सी, कौन कौन से स्क्वायर करने पे आएगा ये, एक तो 1 के और एक 9 के, तो ये दोनों एक्सेप्शन लिख लेते हैं 1 और 9। अब 9 आ रहा है यहाँ पर, तो ये 9 देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर करने पे आ रहा है, इनके बीच की डिजिट। तो एक तो 3 का स्क्वायर करें तब 9 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ रहा है। तो ये 9 इसमें जो सबसे छोटे वाली डिजिट होगी वो ही हमेशा लेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1 और 3 9, इन दोनों में से एक आंसर है हमारा। वो कैसे चेक करेंगे, तो अब ये जैसे हमने मल्टीप्लाई करी तो ये इक्वल आया है, तो इक्वल हो या बड़ा हो तो हम बड़े वाली वैल्यू ही लेंगे, मतलब 36 इज़ द आंसर। अगला हम एग्जांपल ले लेते हैं, रूट 99856। इसमें जैसे हम पहले कर रहे थे लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे, फिर यूनिट डिजिट देखेंगे 6 है हमारी, 6 में कौन कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, 4 या 6, ठीक है। अब हम ये वाली सारी डिजिट लेंगे,
तो ये किस किस के बीच में आ रही है, एक तो 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 और 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। तो ये सबसे छोटी वाली लेते हैं ऑलवेज, तो 31 आ गया इसके आगे और यहाँ पे भी 31 लगा लिया। अब हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, 314 होगा या 316 होगा। उसको आंसर बताने के लिए हम 31 में 31 बढ़ा के लिखेंगे तो 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 992। अब ये नंबर 88998 बड़ा है 992 से, तो हम क्या लेंगे, बड़े वाली डिजिट लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 316 इज द आंसर। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको मेरी टीचिंग पसंद आती हो तो प्लीज़ लिपि जैन आकांक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।